लोगों के हित के लिए काम करने वाले पूर्व जिला ईटक प्रधान योगेंद्र पाल कपूर अब मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ने का निर्णय पूरी तरह त्याग चुके हैं। पूर्व जिला ईटक प्रधान योगेंद्र पाल कपूर ने कहा कि उन्होंने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कहने के पश्चात छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और आगे भी पार्टी के लिए सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका समर्थन सोशल मीडिया में व्यक्तिगत तौर पर किया था, वे उनका आभार प्रकट करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैंने मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार, मंडी सदर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने का इरादा इच्छा जाहिर की थी लोगों में। मुझे समर्थन भी मिला, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद मैंने ये विचार त्याग दिया है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और लोगों की सेवा करता रहूंगा। बेकारों के लिए भी मैं आवाज उठाता रहूंगा, पॉलिसी बने, तथा जिन लोगों ने मेरा सोशल मीडिया पे और मुझे समर्थन दिया पर्सनली, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, जैसे पीछे का किया था आगे भी मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा।